चीजों को देखकर आप जरूर कहने वाले हैं, ऐसा भी होता है। अंधेरी रात में ये हाथी सड़क पर बेतहाशा भाग रहा है। पीछे एक सायरन बजाती गाड़ी भी है जो लगातार उसका पीछा कर रही है। देखिए कैसे कुछ दूर भागकर हाथी गुस्से में गाड़ी की तरफ पलटता है, लेकिन फिर भागने लगता है। जंगल में गायब होने से पहले हाथी एक बार फिर गाड़ी की तरफ पलटता है, शायद हमला करने। लेकिन जैसे ही सायरन बजता है वो भाग जाता है। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की है, जहां हाथी के झुंड ने दो लोगों की जान ले ली, तीन घरों को बर्बाद कर दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इसलिए फॉरेस्ट रेंजर उसे खदेड़ कर रिहायशी इलाके से भगाने की कोशिश कर रहे थे। इन गायों को पकड़ने के लिए हो रही मेहनत देखिए। पुलिस अधिकारी पिस्टल और टोपी संभालते हुए उन्हें पकड़ने के लिए जोर लगा रहे हैं। देखिए कैसे उन्होंने इस सफेद गाय की पूंछ पकड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय हाथ नहीं आई। गाय को पकड़ने की कोशिश में क्या अधिकारी और क्या जवान, सभी लगे हैं। देखिए एक पुलिस वाला तो जमीन पर धड़ाम हो गया। ये अनोखा नजारा यूपी के अमेठी का है, जहां जिले के डीएम और एसपी समेत तमाम आला अधिकारी आवारा पशुओं की धरपकड़ में लगे हैं। अपराधियों को पकड़ने की जगह खाकी वर्दी वाले अधिकारी गायों की पूंछ पकड़ने में लगे हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवारा पशुओं को गौशाला में पहुंचाने के आदेश दिए, लिहाजा पूरा का पूरा प्रशासन अमला जानवर पकड़ने के अभियान में लगा है। वीडियो में दिख रहा है ये जानवर शायद आप पहली बार देख रहे हैं। इस जानवर के चेहरे पर दो आंखों की जगह सिर्फ एक बड़ी आंख है, वो पलक भी नहीं झपकाता। खाने वाला मुंह भी कुछ अलग तरह का दिख रहा है, लेकिन आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि ये अजीब सा दिखने वाला जानवर गाय का बछड़ा है, जिसका जन्म पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में हुआ है और उसे देखने के लिए लोगों का तांता लग गया है और लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। दरअसल बछड़ा साइक्लोपिया नाम की बीमारी से ग्रस्त है, जो इंसानों और जानवरों दोनों में हो सकती है। इस बीमारी में बच्चे का विकास पूरी तरह नहीं हो पाता है। सड़क पर सब कुछ सामान्य सा लग रहा है, लेकिन अचानक एक सफेद गाड़ी आती है, पहले बाइक के पास बैठे दो लोगों को टक्कर मारती है। इस बीच ये साइकिल सवार खुशकिस्मत रहा, जो कार की टक्कर से बच जाता है। लेकिन ये कार यही नहीं रुकती, बल्कि आगे खड़ी कार में जा टकराती है। दिल दहला देने वाली हादसे की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह की है। पन्ना स्टेट हाईवे पर एक दुकान के बाहर बैठे लोगों पर ये गाड़ी जा चढ़ी। हादसे में तीन लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। ये पूरी घटना पास की दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद गई। आग के चारों तरफ लोग बैठे हैं, उनमें से कुछ दूर बाइक पर छोटे बच्चे को गोद में लेकर एक शख्स खड़ा है। तभी इस वीडियो में एक शख्स की एंट्री होती है, सिर पर कैप लगा रखी है और पीछे की तरफ हाथ कर रखे हैं। गौर से देखने पर हाथ में पिस्टल दिख रही है। वो धीरे धीरे आग के पास बैठे लोगों के पास जाता है और नजदीक से इस महिला को गोली मारता है। कोई कुछ समझ पाता, इतने में आरोपी वहां से फरार हो जाता है। तस्वीरें दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की हैं। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला सरला अवैध रूप से शराब बेचती थी। सद्दाम गौरी गैंग के लोगों ने उससे पैसे की मांग की, लेकिन जब नहीं दिए तो उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्या के नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी दफ्तर में दो लोग जमीन पर लेटे हुए हैं। लेटे लेटे ये लोग चिल्ला रहे हैं, शायद ये लोग अधिकारियों के सामने अपनी शिकायतें रख रहे हैं। जमीन पर लेटे हुए इन लोगों में से एक आम आदमी पार्टी के विधायक है। विरोध करने का ये तरीका शायद ही आपने पहले देखा होगा। तस्वीरें दिल्ली के केशवपुरम जोन के डीसी ऑफिस की हैं। आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी किसी काम में हो रही देरी की वजह से डीसी ऑफिस पहुंच गए और इस तरह जमीन पर लेटकर अपनी शिकायतें दर्ज कराने लगे। हालांकि अधिकारी उन्हें समझाते रहे, लेकिन जब विधायक जी नहीं माने तो उन्हें वही छोड़कर सब कमरे से बाहर चले गए। एक ट्रेन पुल के ऊपर रुकी हुई है, तभी गाड़ी का गार्ड अचानक पुल के ऊपर चलना शुरू कर देता है। वो लोहे के पुल पर चलता हुआ दो बोगियों के बीच पहुंचता है। देखिए कैसे उसका एक पैर हवा में लटका है और वो ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक चेक कर रहा है।
हल्की सी चूक हुई तो गार्ड पुल के नीचे गिर सकता है। लेकिन इस गार्ड ने किसी मजे हुए जिम्नास्ट की तरह आराम से ट्रेन की खराबी को ठीक किया और आराम से पुल पर चलते हुए वापस लौट आया। ये नजारा कर्नाटक के श्री रंगापट्टन का है, जहां विष्णु मूर्ति नाम के गार्ड ने यह कारनामा किया। सोशल मीडिया पर गार्ड की दिलेरी की तस्वीर वायरल हो रही है। वीडियो में टी शर्ट पहने एक शख्स चुपचाप खड़ा है, दूसरा शख्स आता है और जोरदार तमाचा जड़ देता है। वीडियो में दिख रही महिला की वजह से ये पिटाई की जा रही है। जो शख्स पिटाई कर रहा है, दरअसल वो पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार के डीएम निखिल निर्मल है। आरोप है कि पिट रहे शख्स ने डीएम निखिल निर्मल की पत्नी को सोशल मीडिया में आपत्तिजनक कमेंट किया। बस फिर क्या था, उसे थाने में बुलाया गया और डीएम साहब ने पुलिस वालों के सामने ही उसे पीटना शुरू कर दिया। वो पैर पकड़ कर माफी मांगता रहा, लेकिन डीएम साहब और उनकी पत्नी उसे पीटते रहे, लेकिन किसी पुलिस वाले ने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। बताया जा रहा है कि डीएम ने आरोपी को उसके घर में घुसकर जान से मारने की धमकी भी दी। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आइस हॉकी मुकाबले का ये नजारा देखिए, कैसे खिलाड़ी तेज रफ्तार से स्केटिंग कर रहे हैं। पूरे जोश और खरोश के साथ गोल दागने की जद्दोजहद कर रहे हैं। अब तक विदेशों में आइस हॉकी का नजारा देखा है, लेकिन अब भारत में भी ये खेल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ये नजारा लद्दाख के लेह का है, जहां तापमान 0 से 17 डिग्री नीचे पहुंच गया है। लोगों ने इस मौसम में आइस स्केटिंग करते हुए जमकर मस्ती की। पुरुषों की 9 और महिलाओं की 7 टीमों ने इस आइस स्केटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस रेलवे स्टेशन पर बर्फ का राज है। चाहे प्लेटफॉर्म हो या पटरी, हर तरफ कई कई फुट मोटी बर्फ बिछी हुई है। इंजन के आगे लगी बर्फ हटाने की मशीन के जरिए पटरियों को साफ किया जा रहा है। इस पूरी कयावत के बाद कहीं ट्रेन के सुरक्षित पहुंचने का इंतजाम हो पा रहा है। ये नजारा कश्मीर के अनंतनाग का है, जहां हिलेर शाहबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन चलाना किसी जंग जीतने के समान है। वहीं कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले जवाहर टनल के हालात भी कुछ वैसे ही हैं। सैकड़ों वाहन भारी बर्फबारी की वजह से फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी से इलाका पूरी तरह कट सा गया है। इस दौरान लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। लाल झंडा ऊपर किया गया, काउंटडाउन दिया गया और फिर राष्ट्रपति ने तोप का गोला दाग दिया। ये नजारा रूस के सेंट पीटर्सबर्ग का है, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने होवित्ज़र तोप फायर की है। पुतिन अपने हैरतअंगेज कारनामों की वजह से वैसे भी काफी सुर्खियों में रहते हैं, अब वो एक बार फिर तोप चलाने को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाथी से भिड़ना कितना महंगा पड़ सकता है, इस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो में एक हाथी है, उसके पास पर्पल रंग की टी शर्ट पहने ये शख्स जाता है। जिस तरह से चल रहा है, उससे लग रहा है कि ये शख्स पूरी तरह से नशे में है। जैसे ही वो हाथी के सामने पहुंचता है, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ये देखकर जंगली हाथी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपने पैरों तले रौंद देता है। वीडियो बना रहे लोग फौरन उसे बचाने दौड़ते हैं, तब तक हाथी वहां से भाग जाता है, लेकिन इस शख्स की मौके पर मौत हो जाती है। दिल में खौफ भर देने वाली ये तस्वीरें श्रीलंका की हैं, जहां इस शख्स को हाथी के साथ स्टंट करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। घर के स्टोर रूम में मौजूद इस मेहमान को देखकर घर वालों के होश उड़ गए। अजगर बेहद लंबा और खतरनाक लग रहा था। देखिए, वन विभाग की टीम इसे पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये हाथी नहीं आ रहा। अरे ना,
नजारा फिलीपींस का है, जहाँ ये विशाल अजगर चिड़ियाघर से भाग निकला था। उसने इस घर में अपना ठिकाना बना लिया। पालतू जानवरों के गायब होने के बाद घर वालों को शक हुआ तो पूरे घर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान स्टोर रूम में ये जनाब छिपे हुए मिले। बड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा गया और नेशनल पार्क में ले जाकर छोड़ दिया गया। देखने में लग रहा है जैसे पानी के अंदर मौजूद ये पोलर बेयर किसी चीज से खेल रहा है, लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि उसके हाथ में एक छोटी चिड़िया है जिसे वो पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, और काफी कोशिशों के बाद वो चिड़िया को दीवार पर रख भी देता है। आमतौर पर पोलर बेयर किसी चिड़िया को जिंदा नहीं छोड़ता, बल्कि उसे अपना शिकार बना लेता है। लेकिन म्यूनिक के एक चिड़ियाघर की इस तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया, और ये नजारा जब वहाँ मौजूद पर्यटकों ने देखा तो उसे अपने कैमरे में कैद करने से नहीं रोक पाए। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर पोलर बेयर इस कोशिश से उस चिड़िया की जान बच सकी या नहीं। इन्हें देखिए कैसे क्रिसमस ट्री को जैवलिन की तरह फेंक रहे हैं। कोशिश इस पेड़ को ज्यादा से ज्यादा दूर फेंकने की है। ये क्रिसमस ट्री जैवलिन थ्रोइंग की जा रही है। यहाँ हाई जंप भी हो रहा है, लेकिन इंसान का नहीं, बल्कि यहाँ भी क्रिसमस ट्री को ही इस बार को पार कराना है। अब इस खिलाड़ी को देखिए, अपनी जगह पर तेजी से घूमते हुए कैसे क्रिसमस ट्री को दूर तक फेंक रहा है। ये गोला फेंक प्रतियोगिता की तर्ज पर क्रिसमस ट्री स्पिनिंग स्पर्धा है। ये अनोखी प्रतियोगिता जर्मनी के विटेंथल में आयोजित की गई, जहां 85 प्रतियोगियों ने अलग अलग तरीके से क्रिसमस ट्री फेंकने की स्पर्धा में हिस्सा लिया। लोग पेट्रोल छिड़क कर जली हुई मशाल से आग लगा रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ भीषण आग की लपटें नजर आ रही हैं, लेकिन ये लोग खुद अपने ही शहर को क्यों जलाने पर तुले हुए हैं, ये बड़ा सवाल है। तस्वीरें जर्मनी के एक छोटे से कस्बे पोटेंस्टीन के हैं। दरअसल हर साल 6 जनवरी को पोटेंस्टीन कस्बे में फायर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ये तस्वीर उसी फेस्टिवल के दौरान ली गई है। इस फायर फेस्टिवल में करीब 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया और अपने शहर को आग और लाइट से रोशन किया। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच झरने जैसा ये नजारा देखिए। ऐसा लगता है मानो विशाल पहाड़ों से पानी बरस रहा हो, लेकिन यहाँ पानी नहीं बल्कि बादलों की हरकत दिख रही है। बादलों ने ऐसा रूप ले लिया है मानो वो पहाड़ियों के ऊपर से नीचे गिर रहे हो। ये नजारा चीन के गुआंगशी प्रांत का है, जहाँ डेमिंग माउंटेन बादलों के झरने के तौर पर मशहूर है। हर साल सर्दियों में हजारों सैलानी इस नजारे को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। चारों तरफ बर्फ का अंबार लगा है और ये हिरण उसमें गले तक धंसकर आराम से बैठा है। आसमान से बर्फ बरस रही है, लेकिन ये आराम से जुगाली किए जा रहा है। ऐसा लगता है इसे बर्फ से कोई परेशानी नहीं है। बर्फ में आराम फरमाते ये अकेला नहीं है, देखिए इसका पार्टनर भी यही मौजूद है और ये भी उतनी तसल्ली से बर्फबारी का मजा ले रहा है। तस्वीरें इटली की है, जहां भारी बर्फबारी से पूरे देश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन इन दोनों हिरणों को देखकर ऐसा लगता है कि हालात चाहे जो भी हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरनेट पर इनकी तस्वीर खूब पसंद की जा रही है। इस इंसान के चेहरे पर बर्फ जमी है और ऐसे हालात में ये दौड़ रहा है। ये अकेला नहीं है, बल्कि इसके साथ कई और लोग हैं जो खून जमा देने वाली सर्दी में दौड़े जा रहे हैं। ये नजारा दुनिया की सबसे मुश्किल मैराथन रेस का है, जहाँ तापमान 0 से 52 डिग्री नीचे है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, इतनी भयानक ठंड में मैराथन रेस हो रही है। रूस के ओयम याकोन में ये खतरनाक रेस आयोजित की गई है। इस दौरान इसमें हिस्सा ले रहे लोगों की सांसें फूलती रही। एक एक कदम उठाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन फिर भी इन जाबाजों ने मुश्किल हालातों में दौड़ पूरी की। स्वीडन में बर्फबारी हुई तो ये शाही परिवार स्कीइंग का मजा लेने पहुंच गया। काले रंग की जैकेट और नीली पैंट में क्राउन प्रिंस डैनियल है। वही काले रंग की ड्रेस में जो महिला आपको दिख रही है, वो क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया है, और साथ में उनके दोनों बच्चे भी स्कीइंग का लुत्फ उठा रहे हैं। चारों को देखकर लग रहा है कि स्कीइंग में उनका बैलेंस जबरदस्त है। स्वीडन में क्रिसमस की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, स्कूल खुल गए हैं, लेकिन शाही परिवार ने अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने से पहले कुछ इस तरह आखिरी छुट्टियों को एंजॉय किया। ये वीडियो स्वीडन की रॉयल फैमिली के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है।
साल के पहले बर्फबारी के बीच स्नोमैन बनाया जा रहा है। बच्चे एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंककर खुशी का इजहार कर रहे हैं। जंगल हो या रिहायशी इलाके, सभी को बर्फ की चादर ने घेर लिया है। कार पर बर्फ जमी तो उसे इस तरह से हटाना पड़ रहा है। पेड़ों पर बर्फ बिल्कुल रुई की तरह लग रही है। जब बदन में सर्दी का एहसास ज्यादा होने लगे तो गर्म सूप बनाकर पिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये तस्वीरें इजराइल और सीरिया बॉर्डर के पास गोलन इलाके की हैं। दोनों देशों के बीच तनाव जग जाहिर है, लेकिन इजराइल के लोगों ने तनाव को त्याग कर किस तरह साल की पहली बर्फबारी का स्वागत किया वो काबिले तारीफ है। की बारी सवर्णों की बारी।